चंद्रमा की चाल जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते में नक्षत्र पड़ते हैं। नक्षत्र यानी आकाश में तारा सा। हमारे यहाँ काल गणना में 27 नक्षत्र माने गए। अब जिस महीने में पूर्णिमा जिस नक्षत्र में पड़ती है उस महीने को उसी नक्षत्र के नाम से जाना गया। जैसे चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को चैत्र कहा गया, विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को वैशाख कहा गया, ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को ज्येष्ठ कहा गया, कुछ लोग जेठ भी बोलते हैं, इसमें भीषण गर्मी पड़ती है, श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा वाले महीने को श्रावण कहा गया जिसे आप सावन भी बोलते हैं। यानी ये पूरी तरह से काल गणना और साइंस पर आधारित है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर का हिसाब किताब यह है कि वहां पर जुलाई महीने का नाम रोमन सम्राट जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। इसी तरह से अगस्त महीने का नाम जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्टस ने अपने नाम पर रख लिया। तो वहां साइंस है, यहां दूसरा हिसाब। हिंदू कैलेंडर की एक खास बात यह भी है कि इसमें महीने मौसम के बढ़ते हुए क्रम को जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे चैत्र में मार्च से अप्रैल, वैशाख में अप्रैल से मई, ज्येष्ठ में मई से जून, और जब सर्दी आई तो उस हिसाब से चलता है। कैसे हिंदू नववर्ष सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा है ये भी जानिए, क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रकृति फिर से नई होने लगती है, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। चैत्र महीने के पहले दिन ही प्रकृति का एक चक्र पूरा होता है, जब पृथ्वी सूर्य